हरे कृष्णा। अध्याय 11 श्लोक नंबर 22। रुद्रादित्य वसवो ये च साध्य विश्वे स्विनौ मारुतश्चोस्मपश्च गंधर्व यक्षासुरा सिद्ध संग विक्षन्ते त्वं विस्मितश्चैव सर्वे। इसका अर्थ, शिव के विविध रूप आदित्यगण, वसु, साध्य, विश्वे देव, दोनों अश्विनी कुमार, मरुदगण, पितृगण, गंधर्व, यक्ष, असुर तथा सिद्ध देव सभी आपको आश्चर्यपूर्वक देख रहे हैं। हरे कृष्णा। मित्रों, इस श्लोक में श्रीला प्रभुपाद ने कोई तात्पर्य नहीं दिया है। इस श्लोक के द्वारा अर्जुन मगर कृष्ण को बता रहे हैं कि वही नहीं और बल्कि सारे लोगों के लोक जो हैं वो तो देख ही रहे हैं, जो सिद्ध हैं देखने के लिए, ये याद रखना होगा हमें। और उसके व्यतिरिक्त तो बड़े बड़े लोगों का अब नाम ले रहे हैं अर्जुन, शिव के विविध रूप यानी रुद्र जो हैं 11 रुद्र, 12 आदित्यगण, वसुए 8 वसु, साध्य विश्वे देव, 2 अश्विनी कुमार भी, गंधर्व पितृलोक से पितृलोक देख रहे हैं, मरुदगण देख रहे हैं, 49 मरुदगण जो हैं वो भी देख रहे हैं, जो इंद्र के भाई हैं, ये सब आश्चर्यपूर्वक देख रहे हैं। बस ऐसे ही खड़े देख नहीं रहे हैं, आश्चर्यपूर्वक देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि अद्भुत रूप देख रहे हैं, भयानक रूप देख रहे हैं भगवान का। कभी भगवान को ऐसे देखा नहीं है। हमेशा हम भगवान को सुनते हैं, शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम, मगर जब यही भगवान के भक्त कोई सताता है तो भगवान शांताकारम से क्या हो जाते हैं? नरसिंह देव हो जाते हैं, विश्वरूप ले लेते हैं और हिरण्यकशिपु का वध कर देते हैं, प्रहलाद को बचा लेते हैं, या दुर्योधन जैसे दुष्टों का क्या करते हैं? मान भंग करते हैं, जो भगवान को बांधने चलते हैं। इस तरह जो भी संसार में मानते नहीं हैं कि कृष्ण ही भगवान हैं, उनको इससे सबक लेना होगा कि उनको मानना ही पड़ेगा एक ना एक दिन कि भगवान कृष्ण ही स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं और बाकी सब देवता गण हैं जो कि उनके क्या हैं? सेवक हैं। एकाले ईश्वर कृष्ण आरस भ्रत्य, बाकी सब क्या हैं? सेवक हैं। एक है जो ईश्वर, वो है कृष्ण, तो उन्हीं के सामने नतमस्तक होना चाहिए। ये गलती हमें कभी नहीं करना चाहिए जिसके वजह से हमें नरक में ढकल दिया जाएगा या हमें कुकर्म हमसे हो जाए तो हमें उसका भारी नुकसान उठाना होगा, जिसके हम खुद जिम्मेदार होंगे, ये हमें याद रखना होगा दोस्तों। जैसे कि महाभारत की कथा में हम सुनते हैं, लास्ट में जब भगवान हस्तिनापुर से निकलते हैं द्वारका के लिए, और तब अचानक उत्तरा दौड़ दौड़ के भगवान के चरण कमल को पकड़ती है और कहती है कि आप रक्षा कीजिए, आप ही रक्षा कर सकते हैं। अब कृष्ण कहते हैं कि पांडवास हैं, इतने बड़े बड़े धुरंधर हैं, आपके ससुर जी हैं यहाँ पे, मैं ही क्यों? मगर उत्तरा कहती है कोई भी सक्षम नहीं है, आप ही सक्षम हो मुझे बचाने के लिए और मेरे गर्भ में पलने वाले बच्चे को बचाने के लिए। और ये जो दृश्य है, ये अद्भुत दृश्य हर किसी ने खड़े खड़े वहाँ पे देखा था। भगवान रथ से उतर कर जो ब्रह्मास्त्र अश्वत्थामा ने चलाई थी, उस ब्रह्मास्त्र को पांडवास की तरफ उसने नियंत्रित किया था, टारगेट किया था, तो उसको भगवान ने निष्फल कर दिया। 5-5 ब्रह्मास्त्र को निष्फल कर दिया और उसी के साथ साइमल्टेनियसली भगवान उत्तरा के गर्भ में गए, जो कि एक ब्रह्मास्त्र वहाँ छोड़ा गया था परीक्षित के ऊपर, जो उत्तरा माता के गर्भ में थे, ताकि पूरे कुल का ही नाश हो जाए। तो इस तरह से अश्वत्थामा ने बहुत ही घिनौनी हरकत की थी, जिसके लिए उसको भगवान ने सजा भी दी थी।
तो भगवान अंगूठे के साइज लेकर यहाँ पे गर्भ में भी उतर रहे हैं क्या, अपने प्रिय भक्त परीक्षित महाराज को बचाने के लिए। और यहाँ पे अपने प्रिय भक्त पांडवास को बचाने के लिए ब्रह्मास्त्र भी निष्फल कर रहे हैं। ये खड़े खड़े पांडवास ने भी देखा, सब ने, हस्तिनापुर वालों ने भी देखा और कुंती महारानी ने भी देखा। अब कुंती महारानी ये देखती है, विस्मित हो जाती है कि जो मुझे बुआ बुआ कह रहा है ये तो मतलब कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। तो कुंती महारानी को पता ही था, मगर उस समय वो सब कुछ भूल गई और तुरंत श्री कृष्ण के पास आकर उनसे प्रार्थना करने लगी कि मुझे और मेरे पुत्रों को जो हमेशा विपत्ति से बचाने वाला था वो और कोई नहीं कृष्ण, तुम ही हो। और तुम मुझे बुआ कहते हो मगर तुम तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हो, तुम आदिकेशव हो, तुम सब कुछ हो। हमारे लिए दुख सुख की क्या बात है, हम तो सदैव यही चाहेंगे कि हमें दुख ही दुख मिले ताकि तुम हमारे साथ रहो। ये सुख का अनुभव सिर्फ भगवान की संगति में ही किया जा सकता है। भक्त किसी भी परिस्थिति में हो, सुख में हो या अत्यंत कठिन दुख में हो, मगर वो जब कृष्ण के साथ होता है तो उसका दुख की अनुभूति बिल्कुल नहीं होती है, बल्कि उसको सुख की अनुभूति होती है। ये स्पेशलिटी है भगवान की कृपा, इसको कहते हैं अहितु की कृपा, कॉजलेस मर्सी। हमारी पात्रता न होते भी भगवान हम पर दया करते हैं, कृपा करते हैं। कब करते हैं? जब हम उनके तरफ मुड़ते हैं, जब हम डिज़ायर करते हैं, भगवान को जानने की कोशिश करते हैं, भगवान के तरफ चल पड़ते हैं, ना कि घमंडी बनकर, नचड़े बनकर इस ब्रह्मांड में अनेक जो जीव आत्मा हैं उनके तरह घूम रहे हैं, बस 84 लाख योनियों में लेके घूम रहे हैं शरीर। नहीं, जब हम हम्बल होते हैं भगवान के सामने, कृष्ण के सामने नतमस्तक होते हैं, हमारा जो गलती है मानते हैं, सरेंडर करते हैं भगवान को और उन्हें कहते हैं हाथ फैला के कि आप मुझे अपना लो, तब भगवान हमें ज़रूर अपनाते हैं। वो कभी भी अपने शरण आए हुए भक्तों का, जीवों का ये नहीं करते हैं, तिरस्कार नहीं करते हैं, वो हमेशा उनको अपने बाहों में लेते हैं, अपने चरण कमलों में रखते हैं। इसलिए सदैव इस बड़े इंसान, उस बड़े इंसान, इस व्यक्ति, इस देवता, उससे जाने के बजाय हम क्यों ना सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड श्री कृष्ण के पास ही जाएं, क्योंकि वही अनंत आनंद के भंडार हैं, सभी सुखों का कारण है और वही असलियत में हमें सुख दे सकते हैं। तो आइए दोस्तों, हम आज प्रण लेते हैं कि हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे निष्ठा से और भगवद गीता का नित्य पाठ करेंगे। ये हमारा रोज़ का दिनचर्या होना चाहिए और ऐसे करने पर वो दिन ज़रूर आएगा जब हम फेस टू फेस भगवान कृष्ण को मिलेंगे और देख सकेंगे और उनसे बात कर सकेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय।